अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत 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 बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो का टाइटल है बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है गाइस। आज के हम सभी ने सुना है, ये वाक्य सुना है, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है वो नहीं सुनी भाई। तो आज की वीडियो होने वाली है साइंस बिहाइंड बुराक एंड वाक्य मिराज। वाक्य मिराज हम सभी को पता है, किसने नहीं सुना यार। हाँ, सही बात है कि प्रोफेट मोहम्मद गए थे, है ना, और बुराक पे बैठ के गए थे वो भाई। तो मैं भाग के आया स्टेट से, तो मेरे को सांस चढ़ गई है। तो आज साइंस देखेंगे भाई, इसके पीछे क्या साइंस होने वाली है, क्या है बुराक का रीजन और क्या है वाक्य मिराज के पीछे साइंस क्या थी। सो इसको प्ले करते हैं हम, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और साइंस और कुरान की चीज़ें भाई देखने का मजा आता है, जो मिरेकल्स होते हैं, जो चीज़ें भाई बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मजा आता है। और आप भी ऐसी वीडियोज़ देखने ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं देखा है भाई चैनल पर। सो उर्दू खबर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वाक़े मेराज या सफ़र मेराज इंसानी अक़ल को तंग करने वाला वाक़या है। इस वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब खातमुन नबीयीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुद के दरमियान तमाम पर्दों को गिरा दिया, लेकिन साइंस इस वाक़े को तस्लीम करने में हीलो हुज्जत से काम लेती है और अपनी अक्ल व दानिश के मुताबिक नित नए तजुर्बात करके कुरान मजीद में बयान किए गए तमाम हकायक को परखने की तगोदाव में रहती है। साइंस ये सवाल करती है कि अगर रोशनी की रफ्तार से सफर किया जाए, यानी अगर बिजली की तेजी से कोई भी इंसान सफर करे, तो भी ये नामुमकिन है कि एक ही रात में, एक ही लम्हे मौजूद में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान और यूं दर्जा बदर्जा सातवें आसमान और उससे आगे सिदरतुल मुंतहा और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा से भी आगे यानी अल्लाह सुभान व तआला के अर्श तक पहुंचे और फिर अपने खालिक व माबूद से मुलाकात का शर्फ हासिल करके वापस भी आ जाए। ये सब स्पीड ऑफ लाइट से भी मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफरे मेराज कैसे किया। आज की मॉडर्न साइंस इस वाक़े पर किस तरह के नित नए तजुर्बात कर रही है, आज की वीडियो का मौजूए सुखन वाक़े मेराज की साइंसी हकीकत से शनासाई देना है। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि मगरबी दुनिया आए रोज कोई ना कोई इनकलाबी खोज लगाती रहती है, और क्योंकि ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस हवाले से आज के दौर में हैरत अंगेज मशीनरियों की भरमार हो चुकी है। इन्हीं में से एक मिस्ट्री टाइम ट्रेवल भी है, जिसका मतलब यह है कि वक्त में सफर करना, माजी में पीछे चले जाना या मुस्तकबिल में आगे चले जाना, जिसको मगरबी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी डिवाइस बनाई जा चुकी है जिसकी मदद से वक्त में सफर को मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में 1400 साल पहले ही बयान कर दिया गया था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा पहुंचे, अगर उस दौर के मुताबिक ऊंट या घोड़े पर सफर किया जाता तो इस सिलसिले में 30 या 40 दिनों का वक्त लग सकता था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ मस्जिद अक्सा तक का सफर किया बल्कि सातवें आसमान तक पहुंचे और इससे भी आगे सिदरतुल मुंतहा तक गए, वो हद कि जिसके आगे जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर भी जल जाते हैं। दोस्तों, साइंस के लिए ये समझना नामुमकिन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात का सफर किया, लेकिन जमीन पर बहुत कम वक्त गुजरा। साइंस की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के साथ सफर करता है तो वक्त का फैलाव बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुराक पर सवार थे उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कई गुना ज्यादा थी। मेराज के दौरान वक्त का फैलाव बढ़ने की बजाय कम हो गया, यानी वक्त थम गया। साइंसी नुक्ते निगाह के मुताबिक कायनात के किनारे तक का फासला किसी भी सिमत में 46.5 बिलियन नूरी साल है, जिसे मरई कायनात कहा जाता है, जबकि रोशनी एक साल में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का सफर करती है। इसका मतलब है कि अगर रोशनी मुसलसल सफर करती रहे तो यह 46.5 बिलियन सालों में कायनात के किनारे तक पहुंच सकेगी। यहां दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि इतनी बड़ी मुसाफत तय करने के लिए अरबों साल दरकार है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा फासला बहुत कम वक्त में कैसे तय किया? रात में। बेशक ये अल्लाह की कुदरत है कि जिसने अपने महबूब के लिए वक्त को समेट दिया। सही मुस्लिम की एक हदीस का इक्तिबास बुराक के बारे में बयान करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए बुराक लाया गया जो एक सफेद और लंबा जानवर है, जो गधे से बड़ा है लेकिन खच्चर से छोटा है, जो अपने खुर को उसकी हद के बराबर फासले पर रखता है, जबकि बुराक के लफ्जी मानी बर्क यानी बिजली किसी तेजी के हैं।
यानी बुराक बिजली की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर कर सकता था। दोस्तों वाकई मेराज हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा है। मेराज के सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात की सैर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और तमाम रसूलों से भी मुलाकात की। उस मुबारक सफर के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफर मेराज से पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मेरा सीना चाक किया, फिर सोने का तश्त लाया गया और मेरे दिल को निकाल कर उस तश्त में धोया गया जो ईमान से भरा हुआ था, और फिर मेरे दिल को वापस रख दिया गया। यानी अल्लाह ने अपने हबीब के दिल को और इनके वजूद को मजबूत कर दिया और सफर की ताकत अता कर दी। दोस्तों गैर मुस्लिमों ने वाकई मेराज की हकीकत पर कुफर और इख्तिलाफ किया। कई बार गैर मुस्लिमों ने यह सवाल उठाया कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह कैसे मुमकिन था कि वो बहुत कम वक्त में पूरी कायनात का सफर कर सके। साइंसी नजरिया यह है कि अगर बिजली की रफ्तार से भी सफर किया जाए तो भी ये मुमकिन नहीं कि एक कहकशां से दूसरी कहकशां और उससे आगे का सफर किया जा सके। जबकि साइंस की जदीद थ्योरी ये भी कहती है कि वार्म होल के दरवाजों में से एक दरवाजे को खोलकर अगर चंद लम्हों का सफर कर लिया जाए तो उसका दूसरा दरवाजा किसी दूसरी कहकशां में जा खुलेगा। इसका मतलब यह है कि किसी एक दरवाजे को खोलकर किसी दूसरी कहकशां में दाखिल हुआ जा सकता है। इस थ्योरी के लिए जिसका सहारा लिया गया वो कुरान करीम में बयान करदा आयात ही है जो कि सूरह मेराज से ली गई हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि एक सवाल करने वाले ने सवाल किया जो वाकया होने वाला है काफरों के लिए और इसका कोई टालने वाला नहीं जो अल्लाह की तरफ से वाकया होगा, जो सीढ़ियों का यानी आसमानों का मालिक है, जिन सीढ़ियों पर फरिश्ते और अहले ईमान की रूहें इन पर चढ़कर जाती हैं, और वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 साल है। उलमा इसकी तफसीर बयान करते हुए लिखते हैं कि इंसानी वक्त में इसका मवाजना किया जाए तो वो वक्त 50,000 साल बनेंगे और ये सफर एक दिन में तय होगा जिसे कयामत के दिन का नाम दिया जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ने वो सीढ़ियां बना रखी हैं, यानी वो दरवाजे जो एक आसमान से दूसरे आसमान तक का सफर महज एक दरवाजा खुलने का है। इसी से मुतल्लिक कुरान मजीद में सूरह हजर की आयत नंबर 13 और 14 में बयान किया गया, और अगर हम इन पर आसमान का दरवाजा खोल दें और इसमें से चढ़ जाए तो अलबत्ता ये कहेंगे हमारी नजर बंदी कर दी गई बल्कि हम पर जादू किया गया। नाज़रीन ग्रामी इन आयात में बयान किया गया कि वो लोग जो गुमराह हैं अल्लाह इन्हें रास्ता भी दिखा दे कि जिस तरीके से फरिश्ते आसमानों के दरमियान सफर करते हैं तो वो लोग कहेंगे कि ये हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है या हम पर जादू कर दिया गया है या ऐसा मुमकिन नहीं था। यानी अल्लाह सुबहानो व ताला ने यह भी बता दिया कि फरिश्ते किस तरह से सफर करते हैं और आसमानों के दरमियान वो दरवाजे या सीढ़ियां कैसे मौजूद हैं जो एक आसमान से दूसरे आसमान का सफर फौरी तौर पर मुमकिन बनाती हैं। आज साइंस 1400 साल बाद कुरान मजीद में बयान की गई थ्योरी को लेकर फिर इसी सवाल पर खड़ी है कि एक ही रात में यह सफर कैसे मुमकिन हुआ। साइंस आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि कोई बशरी वजूद या इंसानी जिस्म बिजली की रफ्तार से यह सफर करे और इसके बाद वो इंसानी जिस्म की सूरत में बाकी भी रहे, क्योंकि साइंसी उलूम के मुताबिक कोई भी शय बिजली की रफ्तार से सफर करे तो वो अपने वजूद को बदल डालेगी, और अगर बिजली की तेजी से यह सफर किया जाए तो कई बिलियन साल तक का वक्त दरकार हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की यह कायनात बहुत वसी है, कायनात की हद को कोई जान नहीं सकता, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जात जानती है। यह सफर क्यों कर मुमकिन हो सका, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपने महबूब से मुलाकात के दौरान क्या क्या बातें हुई, इसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी कमेंट। सो गाइस ये थी वीडियो कि साइंस बिहाइंड बुराक एंड वाकया मेराज। तो हम सब ने सुना है कि जो है प्रॉफिट मोहम्मद साह जो है वो एक ही रात में, एक दिन में नहीं पूरी रात में ही इस पूरे सफ़र को करके वापस भी आ गए थे, लेकिन साइंस जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मान रही, क्योंकि उनका कहना ये कि अगर कोई बिजली की रफ्तार से भी जाएगा तो वो भी उसको
कुछ बिलियन साल लग है, जाएंगे सबसे यार फास्ट आप सभी को जाने पता है में। कि लाइट ही ट्रेवल करती है, लेकिन तब हाँ भी उसको इतने बिलियन साल लग जाएंगे वहां तक अर्शों तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये सारा का सारा सफर एक रात में हुआ है भाई, एक इंसान के लिए मानना तो ये बहुत ही मुश्किल बहुत सी चीज़ है। अगर मुश्किल हम भी है सोचें बट ये कि हम चीज बुक्स को है। ना देखें तो हम भी बोलें कि नहीं यार ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती, कोई मान नहीं सकता। हाँ लेकिन उस टाइम पे सफर करा है और उस टाइम पे उन्होंने अपने जो सहाबत है उनको प्रूफ भी दिया है बोल बोल के। और या ये चीज़ें बुक्स में तो बहुत थोड़ी लिखी है, अभी तक तो बहुत कम नॉलेज आई होगी ना उन्होंने जो चीज़ें बताई होंगी। जैसे उन्होंने 5 चीज़ें उन्होंने 10 चीज़ें बताई होंगी सहाबा को, मैंने ये किया ये देखा मैंने रास्ते में, हमारे पास सिर्फ 2-3 चीज़ें ही पहुंची होंगी आगे रहते रहते, है ना। बस तो वो जो लाइफ प्रूफ था वो तो उन्होंने उसी टाइम पे दिया होगा, या और अब हम बस बिलीव कर सकते हैं उस चीज़ पे, और बाकी तो ऑप्शन कुछ नहीं कर नहीं है सकते, कुछ भी ऑप्शन नहीं है ना। मानना। तो बाकी तो ये थी वीडियो, और साइंस के बारे में पता लग गया, साइंस के साथ ये रिलेट कर रहा था कि साइंस क्या समझती है इस चीज़ को, कि कितना टाइम लगता है, और साइंस अभी तक खोज ही नहीं पाई इस चीज़ को, खोज ही सकता कोई भाई, इसका क्या ही खोज सकता है कोई। तो बाकी तो ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट बाय वीडियो में। बाय।